तो आज हम लोग जाने वाले हैं शिरडी। आज हमारी ट्रेन है और अभी हम लोग 10 मिनट के अंदर निकलने लगे हैं। तैयारियां वगैरह हमने सब कर लिया है। एक बार आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोग तैयार हो चुके हैं सारे के सारे। मैं तो अभी किचन में काम करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमने खाना वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है, टैची वगैरह सब कुछ रेडी है। ऑटो वाले को हमने फोन कर दिया है ऊबर से, वो आते होंगे बस थोड़ी देर में, और हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस ट्रिप के लिए हमने जितने भी प्रिपरेशंस करी है, जो जो हमने दवाइयाँ ली है, जो टिकट का खर्चा आया ट्रेन की टिकट्स के लिए, और बाकी हमने और क्या प्रिपरेशंस किया, वो सब हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स शिरडी की ट्रिप प्लान कर रहे हो, उनको इस वीडियो से थोड़ी बहुत गाइड मिल जाए और उनको हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ट्रेन के अंदर नेट मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए टाइम पास के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही एपिसोड्स डाउनलोड कर लिए हैं वन पीस एनिमे और अनदर एनिमे के। ठीक है भाभी, इसको बोलो हल्दी नहीं बनाएगी। वो देखो वो छुपी बड़ी, वो दिख रही ना जरा से, जू के अंदर जैसे जानवर दिखते हैं ना जरा से। तूने भी खाया है थप्पड़, बता दे भाभी को। वो देखो वो आ रही ऊपर से। जय साई राम भक्तों, मेरा नाम राजीव है और आज मैं शिरडी साई धाम के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ शिरडी गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया जाए। मैं कैसे गया था, मैंने क्या क्या तैयारियाँ करी थी, फिर खाना पीना कैसा था, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बाबा जी के दर्शन हुए, कहाँ पे रुके और क्या क्या हमने मिस्टेक्स करी। अगर आप भी शिरडी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और पहले कभी नहीं गए हैं, तो फिर ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैं गया था चंडीगढ़ से और हम 5 मेंबर्स थे फैमिली के जो शिरडी गए थे। हमने एक बजट ट्रिप जो था वो प्लान किया था, तो हमने स्लीपर क्लास बुक कराया था जिसमें 690 रुपये किराया जो था वो चंडीगढ़ से शिरडी तक लगा था। चंडीगढ़ से शिरडी के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है जो कालका से आती है, शाम को 5-5:30 बजे के बीच में कालका से निकलती है और 6 बजे के आसपास जो है वो चंडीगढ़ से निकल जाती है। ये ट्रेन जो है वो हफ्ते में 2 दिन के लिए शिरडी जाती है और शिरडी से वापस 2 दिन के लिए कालका आती है। तो ये 24.5 घंटे ऑफिशियल टाइम है इसका, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटा लेट कर देती है। तो ये जो ट्रेन है नॉर्थ इंडिया से चलने वाली इकलौती ट्रेन है जो शिरडी तक जाती है। इसके अलावा जम्मू से भी ट्रेन आती है जो पैसेंजर ट्रेन है और कोपरगांव तक जाती है। इसके अलावा अमृतसर से और चंडीगढ़ से 1-2 ट्रेन और चलती हैं जो मनमाड़ तक जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली से जो ट्रेन चलती हैं, वो कुछ ट्रेन जो है वो कोपरगांव तक जाती हैं। शिरडी के अलावा कोपरगांव और मनमाड़ 2 और रेलवे स्टेशन हैं। मनमाड़ जो है वो 70 किलोमीटर दूर है शिरडी से और वहाँ के लिए ट्रेन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा स्टेशन जो नियरेस्ट है वो कोपरगांव है जो सिर्फ शिरडी से 18 किलोमीटर है और वहाँ के लिए ट्रेन जो वो कम है, लेकिन फिर भी दिल्ली से 4-5 ट्रेन जो वो चलती हैं। कोपरगांव और मनमाड़ से शिरडी के लिए लोकल टैक्सी जो वो ईजिली मिल जाती हैं। शिरडी जाने के लिए जो ट्रेन्स हैं वो 3 से 4 महीने पहले ही बुक हो जाती हैं। हमारा 1 अप्रैल का प्लान था तो हमने दिसंबर 1 वीक में ही ट्रेन जो थी वो बुक करा ली थी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 15 से 20 टिकटें ही खाली पड़ी थी। तो हमने करा ली और हमें जो सीट्स थी वो सारी एक साथ साथ मिल गई। बाद में पता नहीं होता है अगर तत्काल में बुक कराते हैं तो कौन सी टिकट जो है वो कौन से डिब्बे में आएगी। अगर हम 4 से 5 मेंबर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो अलग अलग डिब्बों में एडजस्ट हों, तो लंबी दूरी की यात्रा है तो फिर ये सब मुश्किल हो जाता है। हम फर्स्ट टाइम इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे थे तो हमने बहुत सारी प्रिकॉशंस ली थी, जैसे कि हम अपनी डॉक्टर की सलाह पर कुछ मेडिसिंस साथ ले गए थे, जैसे सिर दर्द, वॉमिटिंग, पेट दर्द, लूज़ मोशन, बुखार की मेडिसिंस। इसके अलावा पेपर सोप्स वगैरह ले गए थे। जब भी कोई ट्रेन बुक करो तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर लंबी दूरी की ट्रेन है या फिर नाइट सफ़र है तो फिर स्लीपर क्लास ना बुक करा के 3rd AC एटलीस्ट बुक कराना चाहिए, क्योंकि स्लीपर क्लास जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पैसा कम लगता है लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक तो ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है,
दूसरा स्लीपर क्लास में कोई भी आदमी घुस जाता है, बिना टिकट वाले भी घुस जाते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो मौका पाकर हाथ साफ करके भी निकल जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हादसा होने लगा था जो नहीं हो पाया। तो ध्यान रखें कि जब भी लंबी दूरी की यात्रा है तो फिर एटलीस्ट थर्ड क्लास एसी जो है वो बुक कराएं, ना कि स्लीपर क्लास। जब भी लंबी दूरी की यात्रा करो ट्रेन में, तो ध्यान रखो कि ट्रेन वही बुक कराओ जो कम से कम स्टेशन्स के ऊपर रुकती हो, क्योंकि जितने कम स्टेशन्स के ऊपर ट्रेन रुकेगी उतने ही कम पैसेंजर्स चढ़ेंगे और उतरेंगे, आपकी जो जर्नी है वो उतनी ही सेफ रहेगी, सामान भी उतना ही सेफ रहेगा। ट्रेन बुकिंग को लेकर जो सबसे अच्छी जानकारी है वो रेलवे की ऑफिशियल साइट irctc.com पर मिल जाती है। शिरडी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है, और 20 रुपये के हिसाब से शेयरिंग पे ऑटो मिल जाते हैं। हमने स्पेशल ऑटो किया था तो हमसे 150 रुपये वो मंदिर तक मांग रहा था, और 200 रुपये जो था जहाँ पर हमने कमरा बुक कराया था वहाँ तक मांग रहा था। तो हमने शिरडी संस्थान का ही द्वारावती नाम का भवन जो था उसमें कमरा बुक करा लिया था अपना, जो कि हमें 500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा, और ये जो है वो मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमने ये वहीं पे बुक कराया क्योंकि हम चाहते थे कि जितना जल्दी हम मंदिर पहुँच सकें पैदल उतना अच्छा है, तो हमें ये सस्ता पड़ा था। हमने 2 मैट्रेसेस एक्स्ट्रा लिए थे, तो 3 बेड तो कमरे में ऑलरेडी लगे हुए थे और 2 मैट्रेसेस हमने और लिए, तो ये पर डे हमारा 600 रुपये टोटल पड़ा था इंक्लूडिंग मैट्रेसेस। हमने 2 दिन के लिए बुक कराया था, और ये जो कमरे हैं वो 1 महीना पहले ही बुक हो जाते हैं क्योंकि जनता इतनी ज़्यादा आती है यहाँ पे, इतने श्रद्धालु आते हैं कि यहाँ पर होटल्स वगैरह जो है वो जल्दी बुक हो जाते हैं। मैं शिरडी धाम को लेकर 4 से 5 वीडियोज़ बनाऊँगा, और उनमें मैं सब कुछ बताऊँगा कि हम शिरडी के अलावा और कहाँ कहाँ पर गए थे, कहाँ कहाँ पर घूमे, कितना हमारा बजट था और कितना हमारा टोटल खर्चा आया। तो वो सब जो है वो मैं डिटेल में वीडियोस बनाता जाऊंगा, आप मेरे सारे वीडियोस देखना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि शिरडी में टोटल कितना खर्चा आ सकता है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि शिरडी मंदिर में जब आप बाबा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या सामान ले जा सकते हो, शिरडी में कहाँ पर फ्री में खाना मिलेगा, कहाँ पर हमें सस्ता खाना मिलेगा, वो सब मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। मेरे सारे वीडियोज़ ध्यान से देखना। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।